अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने फिल सेक्शन का जो है ग्रेडिंग कंप्लीट कर रही थी। अभी इस सेशन में हम जो है वो अपना कट एरिया के जो लिए वॉल्यूम और उसकी सरफेस वगैरह का प्रोसीजर जो है वो करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो सेम स्टेप्स हैं, फिल का जो क्राइटेरिया यूज़ किया मैंने वो आपने देख लिया, और अभी जो कट के लिए है वो हमारी जो स्लोप रहेगी वो 0.5 रहेगी, और जो उसका स्टेप ऑफसेट है वो 8 का 0.5 होगा, तो वो 4 मीटर हो जाएगा, और उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर ही बेंच की रहेगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो बाउंड्री है हमने इसको कॉपी करना है। ओके, कॉपी करना है और यहाँ पर ला के हमने इसको पेस्ट करना है। ओके, ये बाउंड्री हमारे पास आ गई है, इसकी हमने फीचर लाइन क्रिएट करनी है, क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑलरेडी भी एक क्राइटेरिया का है, मगर मैं इसके लिए नया आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्राइटेरिया डेमो, ओके, ये ऑलरेडी है इसमें। ओके, तो मैं इसमें इसको रखता हूँ। ओके, और इसका एलिवेशन है 1568। ओके, और यहाँ पे जो है अभी हम अपने स्टेप ऑफसेट वगैरह जो है वो लगाते जाएंगे और क्विकली हम इसको कर लेंगे अभी। तो ये हमारी फीचर लाइन है, तो इसमें मैं स्टेप ऑफसेट से स्टार्ट करता हूँ। तो जो फर्स्ट हमारा बेंचिंग है, बेंच की जो ऑफसेट रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो 4 मीटर है। ओके, और यहाँ पे जो है साइड आउटर साइड है, और यहाँ पे स्लोप जो है वो 0.5 है, ठीक है, 0.5। तो फर्स्ट ऑफसेट हमारा लग गया है। इधर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे आप देखते रहिए कि ये कैसे अपडेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑफसेट 3 मीटर पे है, ये हमारा बर्म है और साइड ऑफसेट है, और यहाँ पे हमारा ग्रेड है, तो ग्रेड हमारा -2% है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर बेंच है, इसमें हमने क्लिक किया स्टेप ऑफसेट 4 मीटर, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से स्लोप मैंने इसको 0.5% सेलेक्ट कर दी। ओके, और अभी फिर नेक्स्ट हमारा बरम है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया 3 मीटर। ओके, साइड ऑफ ऑफसेट और ग्रेड हमारा -2%। ओके, नेक्स्ट फिर बेंच है, स्टेप ऑफसेट, ओके, 4 मीटर, साइड ऑफ ऑफसेट, स्लोप 0.5। ओके, यहाँ पे फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया स्टेप ऑफसेट, 3 मीटर बरम की विड्थ है, और ये आउटर साइड में है, यहाँ पे ग्रेड हमारा -2% है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा बेंच है, ओके, 4, आउटसाइड, स्लोप 0.5। ओके, नेक्स्ट फिर जो है बरम है, बरम की विड्थ हमारे पास 3 फीट है। ओके, और यहाँ पे ग्रेड हमारे पास -2% है। ओके, और यहाँ पे ये जो है अभी फिर बेंच है, ओके, और 4 मीटर साइड स्लोप 0.5। ओके, यहाँ पे फिर हमारे पास अभी बरम 3 मीटर, साइड ऑफ ऑफसेट, ग्रेड -2%। ओके, यहाँ पे फिर बेंच है, ओके, 4 मीटर, साइड ऑफ ऑफसेट, स्लोप 0.5। ओके, एक और है, 3, ओके, ग्रेड -2। ओके, उसके बाद फिर स्टेप ऑफसेट 4 मीटर, साइड ऑफ ऑफसेट,
स्लोप 0.5। ओके अभी हम इसकी सरफेस क्रिएट करके देख लेते हैं कि ये अचीव हुआ है लेवल हमारा या नहीं हुआ। क्रिएट सरफेस, ओके, कट एरिया, यहाँ पे आपने स्टाइल जो है वो भी कट का ही रखना है, ओके, और यहाँ पे भी बाय ब्लॉक, ओके, और यहाँ पे ये सरफेस अभी बनी है, डेफिनेशन, ओके, यहाँ पे ब्रेक लाइन वन बाय वन हम इसमें ऐड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये बन गया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जो है अभी थोड़ा सा बाकी है, ओके, नो प्रॉब्लम। सरफेस प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ये जो है इसका स्टाइल जो है वो कट सेलेक्ट किया मैंने, ओके, लास्ट इसमें बर्म है, और इसमें एक बेंच का और हम मजीद इजाफा कर देते हैं इसमें। इसको मैं एक दफ़ा आइसोलेट करके हाइड करता हूँ, ओके, और ये जो लाइन है इनको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो है एंड आइसोलेशन, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट जो है वो बरम बना है या बेंच बना है, ओके। तो यहाँ पे जो है बरम बनना बाकी है, ओके, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके, 3 मीटर, ओके, साइड ऑफ ऑफसेट ग्रेट -2, ओके, और यहाँ पे इसको एक और बेंच दे देता हूँ मैं 4 मीटर, ओके, साइड ऑफ ऑफसेट और स्लोप है हमारी 0.5, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने इसमें आके ऐड पे क्लिक करना है, ओके करना है, और बस इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखें तो ये हमारे बेंच कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी इसकी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन है इसको हमने ऑफ करना है, डिलीट करना है, डिलीट, ओके, यहाँ से भी डिलीट करना है और यहाँ से भी डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया, ओके। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, और इसको मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन आपने सारी सिलेक्ट करनी है ऐसे, ओके, और इसको लेयर में रख के आपने ऑफ कर देना है। ये स्टार्टिंग में जो लेयर बनाई थी हमने, ठीक है, ये लेयर है, और यहाँ पे आपने इसको ऑफ कर देना है। अभी मैं इसकी आइसोलेशन जो है वो एंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने सेम स्टेप्स जो हैं वो दोहराने हैं जो हमने फिलिंग के लिए किया था, ओके, ईजी, राइट क्लिक, कट, ओके, 2 टाइम इंटर प्रेस करना है। तो ये बॉर्डर हमारा सेट हो गया है इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे अभी हमने अपनी सरफेस को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, ओके, और यहाँ पे बाउंड्रीज में ऐड में जाएं, आउटर, ओके, और इसको आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों सरफेस हमारी तैयार हो गई हैं, ठीक है। और अभी अगर आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखें तो यहाँ पे हमारी जो सरफेस कट और फिल की है वो दोनों रेडी हैं। अब
अभी हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे ये जो है ये हमारा कट वॉल्यूम है, नो डिस्प्ले है, और यहाँ पे हमारी जो बेस है वो ईजी है, और जहाँ पे कट है, ओके ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ये दोनों नेट वॉल्यूम है, ये फिल का है और ये कट का है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसे क्रिएट करना है और ये जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, इसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।